इस कोविड के समय में। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भेजा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बहुत हद तक अब सामान्य हो चुकी हैं, बहुत तेजी से टीकाकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे इंटर कॉलेज खुल चुके थे, कक्षा 9 और उससे ऊपर के अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा था, इसलिए हमने अनुमति मांगी थी कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय और फिर उसके बाद दूसरे चरण में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय खोल दिए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति प्राप्त हो चुकी है और अब आगामी 10 फरवरी से हमारे कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय और फिर आगामी 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालय खोले जाएंगे। सर, मिड डे मील का भी व्यवस्था रहेगा? हाँ, जो व्यवस्थाएं पहले चल रही थी जब स्कूल खुले हुए थे, वो सारी व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। स्कूल खुलेंगे, मिड डे मील भी बच्चों को पहले की तरह उपलब्ध कराया जाएगा। अब क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना होगा, तो क्या वो व्यवस्थाएं यहाँ भी लागू रहेंगी? फिजिकल डिस्टेंसिंग यहाँ भी बनाया जाएगा, सैनिटाइजेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं? बिल्कुल, जो निर्देश जारी हो रहे हैं स्कूल खोलने के, उसमें अनिवार्य रूप से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के और समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में जो भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उन सब का पालन किया जाए, ऐसा निर्देश जारी किया जा रहा है। अब नए सत्र को लेकर के क्या तैयारी है?